पब्लिक की कॉल्स लिया करता था, लाइव कॉल्स। तो मैंने आज आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है कि एक पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, और मुझे पता है कि लोगों के बड़े सवालात हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज सवाल पूछें, मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवालात का। जी शुरू करें। इमरान खान, माय नेम इज़ मरियम सुलेहरिया एंड आई एम ए स्टूडेंट। मेरा आपसे बिल्कुल गैर सियासी से सवाल है, बट उससे पहले आई रियली वांटेड टू से समथिंग, लाइक आप अपने लिटरली हर जलसे में आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि लाइक वो लोग निकले, बट फॉर मी आई डोंट नो अबाउट द अदर पीपल, बट आई रियली फेल अशेम बिकॉज आई थिंक लाइक दिस इज द लीस्ट थिंग वी कैन डू फॉर यू। यू लिटरली सेक्रीफाइस एवरीथिंग जस्ट फॉर अस। और मेरा सवाल ये है कि लाइक आप इतने मुश्किल हालात में से गुजरे हुए हैं, आपकी नर्व्स इतनी स्ट्रांग कैसे हैं, लाइक आपको एनजाइटी, डिप्रेशन ये चीज़ें फेस नहीं करना पड़ती, और आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है, आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं और आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? और मैं आपसे इतना इंस्पायर्ड हूँ, इतना इंस्पायर्ड हूँ कि लाइक आप सोच नहीं सकते। एंड और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में आप ही जीतेंगे, वी ऑल आर विद यू। जी शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जब पब्लिक इस तरह जलसों पे आती है, और शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतनी तादाद में कभी पब्लिक और हाल ही में जो जलसे हुए हैं कभी इस तरह कभी निकली हो, और उसके अलावा जो मैंने एक दफ़ा कॉल दी थी जब ये साजिश के तहत मुझे हटाया, मुझे पता था कि हटा रहे हैं, तो जब मैंने कॉल दी थी पब्लिक को कि आपको सिर्फ अपने मुल्क को बचाने के लिए एक तौहीन हुई है 22 करोड़ लोगों की, कि एक बाहर से एक कुव्वत फैसला करे कि एक 22 करोड़ के लोगों की इलेक्टेड हुकूमत को हटा के साजिश के तहत और चोरों के ऊपर मसलत किया जाए, तो मैं कभी नहीं समझ रहा था कि इतनी पब्लिक निकलेगी। और तो मैं तो अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि इस तरह जिस तरह मेरी आवाम निकली। दूसरी, देखें जो अल्लाह ने इंसान को बनाया ना, हम उसकी सबसे अजीम मखलूक हैं। हाँ, उसने फरिश्तों को भी इंसान के सामने कहा झुको, लेकिन हम मखलूक उसकी अजीम तब बनते हैं जब हम जो अल्लाह की जो अहकामात हैं, जो उसके हुक्म हैं, उस पर चलें। तो अल्लाह ने कभी भी हमें ज़िंदगी में आसान रास्ता नहीं बताया। उसने, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप क्या मांगती हैं नमाज में, कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो उस रास्ते पे चला गए जिस पे उनकी तबाही है। अब जो सीधा रास्ता है, जो नेमतों वाला रास्ता है, वो पैगम्बरों का रास्ता है, और हमारे लिए ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, तो वो रास्ता आसान नहीं था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप ज़िंदगी पढ़ें तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी, लेकिन उनसे अजीम इंसान कभी आया नहीं और ना कभी आ सकता है। तो हम क्या इससे सीखते हैं कि हम आसान रास्ता नहीं ढूंढते, हम सीधा रास्ता ढूंढते हैं जो हमारी अजमत का रास्ता है, और वो हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलें, उनके रास्ते पर चलें, उनकी शरिया पर चलें, तो वो ही हमारा फिर अजमत का रास्ता है। और उसमें जितनी भी मुश्किलात आती रहती है ना, एक अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा है कि जितनी हम मुश्किलात के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह हमें ताकत दे देता है। हम अगर फिज़िकली अगर वेट लिफ्टिंग करें तो हमारा बाजू, जितना बड़ा वेट उठाएंगे बाजू उतना मज़बूत हो जाएगा, लेकिन जो असल पावर है वो आपके मेंटल पावर है, जहन में है। तो जितनी आप मुश्किलात का सामना करते रहेंगे अल्लाह आपको और ताकत देता रहता है। तो ये अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरा नाम मुबीन है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, उसको हटाने का वाहिद तरीका यही है कि हम इलेक्शन जीत के आए। आपकी जो सबसे बड़ी सपोर्टर बेस है, वोटर बेस है, वो यूथ से बिलोंग करती है। अभी जो इलेक्शन कमीशन की डेटा है उसके मुताबिक 50% जो यूथ वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है क्योंकि उनके CNIC नहीं बने हुए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखें, आज मैं सारी अपनी यूथ को, क्योंकि देखें फ्यूचर तो आपका है, 60% हमारी आबादी 30 साल की उम्र से कम है, और जो भी आज होगा वो आपकी मुस्तकबिल को मुतासर करेगा। क्या ये इन्हीं चोरों के नीचे अगर हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो ये समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो नौजवानों का यूथ, उनका फ्यूचर मुतासर है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका कि आप अपनी इंश्योर करें कि आपकी वोट रजिस्टर्ड है और पता चलवाएं कि वोट किधर है। क्योंकि मैं अपने यूथ को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो हम देखें, दो किस्म के इनकलाब है ना, एक तो खूनी इनकलाब है, वो खुदा ना खास्ता कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए उस तरफ, क्योंकि उसकी तबाही इतनी होती है कि जब मुल्क को उससे ठीक करने में उस खूनी इनकलाब की तबाही के बाद वो बड़ा देर लगती है। और दूसरा होता है कि हम बैलेट के ज़रिए इनकलाब लेके आएँ, यानी हम वोट के ज़रिए अपनी इनकलाब लेके आएँ। और इसलिए मैं यूथ को, नौजवानों को ख़ास तौर पर कहूँगा कि अपनी वोट रजिस्टर करवाएँ और तैयारी करें इलेक्शन के लिए। जी, अगला सवाल। मेरा नाम रेहान है, मेरा ताल्लुक कराची से है। खान साहब, मेरा आपसे सवाल था, शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा इस पर चल रहा है FIA में और NAB में, उसमें हमने देखा कि हाल में जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर्स, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हुआ, और उसी केस से मुंसलिक अहम शख्सियत मकसूद चपरासी साहब का भी दुबई में हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हुआ। खान साहब, इतना अहम कैसे इसके अंदर अगर इस तरह से ऑफिसर्स या जो गवाहान हैं इम्पोर्टेंट, अगर उनकी इस तरह से अमवात होंगी तो खान साहब कोई भी ऑफिसर या कोई भी गवाहान किसी भी बड़े केस का या किसी भी ताकतवर के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तो आपकी इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, इस केस को किस तरह से जो है आप फॉलोअप करेंगे? दूसरा, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन है, कोई लॉ है, उसमें आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आपके जो प्लान है उनकी क्या तैयारी है, इस हवाले से खान साहब। जी जी रहमान, देखें जो मुल्क होता है ना, एक मुल्क कैसे तरक्की करता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए समझना। वो मुल्क तरक्की करता है जिसके इदारे मजबूत हों, और इदारे मजबूत कैसे होते हैं? जब रूल ऑफ लॉ हो, यानी जब कानून की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। मतलब ये कि हर इदारा चलता है अपने दायरे के अंदर जो उसको आईन इख्तियारात देता है। मसलन में पुलिस है तो पुलिस के लिए बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि पुलिस ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। और FIA है, उसकी गाइडलाइंस हैं, NAB है, उसकी गाइडलाइंस हैं, हर इदारे के गाइडलाइंस हैं। तो जब एक मुल्क का कानून ख़त्म होता है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म होता है, जब उसके उस मुल्क के अंदर ताकतवर का एक कानून हो जाता है और कमज़ोर का दूसरा, तो ये याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बहुत बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, यानी जिधर इंसाफ नहीं है, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने उसी चीज़ को कहा कि जुल्म, कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, ना इंसाफी, यानी जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है वो चल सकता। और अगर आज आप देखें तो मैं अपनी इस ज़िंदगी में सारी दुनिया फिर चुका हूँ, तो मैंने एक चीज़, अगर एक चीज़ मुझे कहे ना कि मैंने गरीब वो मुल्क जिधर बड़ी गुर्बत है वो देखे और वो मुल्क जो बहुत खुशहाल है, अगर एक फ़र्क है उनमें, तो जो गरीब जिधर गुर्बत है वह कानून की बालादस्ती नहीं है, वहाँ बिल्कुल जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था, वहाँ ताकतवर के लिए एक कानून है, कमज़ोर के लिए दूसरा। कमज़ोर को जेलों में डाल देते हैं चोरों को, लेकिन ताकतवर डाकुओं को वो नहीं पकड़ सकते। तो हमारे मुल्क का ये जो हुआ है, ये सारा कुछ, ये जो अभी आपने बात की मकसूद चपरासी की, ये क्या चीज़ है कि पहले जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, इतना बड़ा जनरल मुशर्रफ ने नुकसान किया पाकिस्तान पे, जुल्म किया कि वो लोग जो खुद ही अपने एक दूसरे के खिलाफ करप्शन केसेस बनाए हुए थे, जरदारी को नवाज शरीफ ने जेल में डाला था, जरदारी ने नवाज शरीफ के ऊपर हुदायबा पेपर मिल का केस बनाया था, सरे महल का केस उनके दौर में बना था नवाज शरीफ के, जो फिर $60 मिलियन पकड़े गए स्विट्जरलैंड में जरदारी के, वो इनके दौर से शुरू हुआ था। तो इन दोनों ने केस बनाए थे और इन दोनों ने कहा था कि एक दूसरे करप्ट हैं,
और जनरल मुशर्रफ ने इन केसेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी पावर बचाने के लिए उन्हें इन दोनों को माफ़ी दे दी और एनआरओ दे दिया, जबकि जनरल मुशर्रफ के पास इख्तियारात ही नहीं थे कि आप चोरी, अवाम का पैसा चोरी हुआ था वो कैसे माफ़ कर सकता है? कोई मेरा अगर घर मेरा पैसा चोरी हो तो कौन चोर को कैसे माफ़ करता है? मैं ही कर सकता हूँ ना। तो अवाम का पैसा चोरी हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपना नैब का हेड रखा, इन्होंने अपना इलेक्शन कमीशन, तीन तीन फैसले किए, इलेक्शन कमीशन, केयरटेकर और नैब का हेड। उससे क्या हुआ? खुल के चोरी की दोनों ने। 10 साल में मुल्क के ऊपर 4 गुना ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया दोनों के। अब जो आज करप्शन के केसेस बने हुए ये इनके दौर के बने हुए थे। अब आए हैं तो अब फिर से मेरे 3.5 साल लगे रहे। आप सुने, मैं हर जगह कहता था मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, क्योंकि ये मांग ही मेरे से एनआरओ रहे थे। ये अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। ये जब नैब में जा रहे हैं और इनसे ज़रा कभी पूछे FIA के सामने, जब इनसे सवालात पूछे जाते थे तो ये तकब्बुर था इनों में कि तुम्हारी जुर्रत कैसी पड़ी हमें सवाल पूछ ले, तुम्हारी जुर्रत हमें कैसे पड़ी कि तुमने पूछा कि हमारे पास ये अरबों रुपया किधर से आया। तकब्बुर है इनमें लोगों में, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है कि ये सिर्फ कानून सिर्फ गरीब लोगों के, कमज़ोर लोगों के लिए है। इनके लिए कानून ही नहीं है, ये ऊपर है। ये वो वाले बादशाह हैं जब जिनके ऊपर कानून नहीं लगता। तो ये जो हुआ है, ये जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, साजिश तो खैर अमरीकी साजिश थी, साथ यहाँ मीर जाफर, मीर सादिक मिले हुए थे। तो ऊपर जो बैठ के हैं वो लोग, ये सारों सबसे ज़्यादा सिर्फ मुल्क की तौहीन नहीं है कि करप्ट तरीन लोग जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे वो ऊपर आके बैठ गए, बल्कि उन्होंने एक और काम किया है जो इन्होंने पहले जब 4 गुना ज़्यादा कर्जे चढ़े NRO 1 मिला था तो इन्होंने तब भी सारे इदारे ख़त्म कर दिए थे। अब आते साथ ही इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले FIA को ख़त्म किया, और FIA के अंदर क्योंकि सबसे ये शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर केसेस थे, और वो ऐसे केसेस थे कि कोई बच ही नहीं सकता उसमें से, जिसका ओपन एंड शट केसेस थे। 16 अरब के केसेस क्या थे कि नौकरों के इन्होंने अकाउंट्स में पैसे लिए और उधर से ये ख़ानदान के ऊपर इनके पास पैसा आ गया, तो और इनके शुगर मिल के वो नौकर थे, और पैसे जो मकसूद चपरासी का नाम, क्योंकि 4.475 अरब रुपया उसके अकाउंट में आया। अब ये केस था, बदकिस्मती से हमारा इंसाफ का जो निज़ाम जो था वो उनको पकड़ ही नहीं सका। हम कोशिश करते रहे, हम गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, वो कभी डेट्स लंबी हो जाती थी, कभी इनकी कमर में दर्द हो जाती थी, केस ही नहीं लगता था इसका, फिर लगता था, फिर एडजमेंट, फिर बेंच टूट जाता था। ये मजाक चलता रहा इधर तक, और इस तब तक इन्हें पता था, ये सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ इस साजिश के बीच में था, उसको सबसे ज़्यादा फिक्र थी कि अगर वो ना, अगर और थोड़ा टाइम हो तो इसने जेल में चले जाना था। तो इन्होंने आते साथ ही क्या किया, अब ये इस मुल्क के लिए अलमिया फिक्र है। ये ज़रा देखें, मैंने ये नोट किया हुआ है आज कि इनके काम करने वाले 4 नौकर जो थे, 4 नौकर वो अब तक मर चुके हैं। सबसे मकसूद चपरासी, वो 50 साल का भी नहीं था, हार्ट अटैक से मर गया। गुलाम शबीर जो पैसे लाके इनको डिपॉजिट करता था इनका अकाउंट में, जो क्या कहते हैं, जो रनर था, जो पैसे डिपॉजिट, वो मर गया। मोहम्मद रजा, वो हार्ट अटैक से मर गया। और गुलजार अहमद एक PN था, उसका भी पता नहीं चला, वो भी मर गया। तो ये 4 विटनेसेस तो मर गए। उसके बाद जो 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, एक नदीम अख्तर, उसको हार्ट अटैक हो गया, और दूसरे जो असल इनके ऑफिसर थे डॉक्टर रिजवान, वो हार्ट अटैक से मर गए। और जो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज की खबर यह है कि इमरान रजा, जो कि एंटी करप्शन के थे, जो कि फैसलाबाद में इनके बड़े वजीर का, उसका जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसकी करप्शन, वो उसने कोई खुदकुशी कर ली है कि पंखे से लटका हुआ नज़र आया, जबकि और पुलिस ने कहा है खुदकुशी है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये इसको मर्डर किया गया। कहने का मकसद ये है कि ये क्या पैगाम गया आज सारे इदारों के अंदर, पैगाम गया है FIA में, पुलिस में, नैब में, सारी जगह पैगाम गया कि अगर आपने इस माफिया को हाथ लगाया तो आपका ये अंजाम होगा। कोई इनके अब केसेस के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। ये इन्होंने एक
दहशत फैलाई है अपनी। और दूसरी चीज, नैब का अब हेड, ये अभी इन्होंने कानून लेके आए हैं कि नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ जाएगा। इनकी फैमिली के ऊपर 45 अरब रुपए के करप्शन केसेस हैं, अब ये बैठ जाएगा नैब। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, इन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, ये सारे लोग जिनकी करप्शन के केसेस बने हुए थे इनके दौर के, वो सारे केसेस अब ये माफ़ हो जाएंगे। सो ये सबसे यहाँ इस मुल्क के आज जो इदारे हैं वो सारे सिस्टमेटिकली खराब तबाह होंगे, रह जाएगी पाकिस्तान की अदलिया। और मैं आपको ये बता दूं कि जो माजी में हमने देखा है, इन्होंने कभी अदलिया को बख्शा नहीं अगर वो इनके खिलाफ जाती है। जस्टिस सजाद अली शाह का चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, ये कभी हुआ ही नहीं है मेरे ख्याल में किसी जमहूरियत में, डंडों से हमला करके उसको भगाया। और फिर बाकी जजेस को ब्रीफ केस चले, क्वेटा बैंक के ऊपर ब्रीफ केस चले, पैसे दे के रिश्वत दे के उनको खरीदा। जस्टिस को टेलीफोन करे, जस्टिस क्यूम साहब ये फैसला चाहिए बेनज़ीर केस में, यानी वो अरशद मलिक वो जज था इनके करप्शन केस में, उसके ऊपर कोई वीडियोस निकाल दी पकड़ के, जस्टिस साकिब निसार एक्स सीजे उसकी कोई ऑडियो टेप निकाल दी, वो पता चला वो। तो ये माफियाज हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा था। और हम सब आज जिस जद्दोजहद में हैं, जो मैं कहता हूँ कि हकीकी आज़ादी की जो जंग है, ये इनके खिलाफ है कि हम अगर इन लोगों को तस्लीम कर जाएं, मुझे जो लोग कह दीजिए आप असेंबलियों में चले जाएं, जिस दिन मैं असेंबली में गया इसका मतलब मैंने इनको तस्लीम कर लिया है, इनकी इस साजिश को और इन चोरों को मैंने तस्लीम कर लिया है। तो इसलिए तो हमने तो फैसला किया है कि हम मुसलसल इनके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है अपने मुल्क के लिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमद खोखर है और मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक मरासला आया अमेरिका से जिसमें कहा गया कि अगर ये गवर्नमेंट ना हटाई गई तो बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। कल जनाब इज़्ज़त मआब DGISPR साहब भी कल एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने फरमाया ये एक इंटरफेरेंस है जिसके ऊपर डिमांड्स भी किया जा चुका है, लेकिन ये इसमें साजिश नहीं नजर आई उनको। कौम एक परेशान है, वो जानना चाहते हैं कि ये इसमें आखिर हुआ क्या है। एक कमीशन, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट में लोग सारे अपने जो है सबूत लेके जाएं, ओपन हियरिंग होनी चाहिए ताकि सब लोग देखें कि हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ, रिजीम चेंज कैसे हुई है। देखिए पहले तो जो फैक्ट्स हैं, जो जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, यानी कोई भी इनकी तरदीद नहीं कर सकता, 7 मार्च को डोनाल्ड लू पाकिस्तान एम्बेसी में एक ऑफिशियल मीटिंग में बैठते हैं और पाकिस्तान एम्बेसडर को कहते हैं कि अगर इमरान खान को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया, ये नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन आ रही है तो पाकिस्तान को बड़े फेस करना पड़ेगा, बड़ी मुश्किलात का धमकी देता है, और अगर इसको हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। ये फैक्ट है, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर जो वहाँ थे उन्होंने कन्फर्म, उन्होंने ये जो साइफर है, साइफर का मतलब कि ये वो जो मरासला है, ये ऑफिशियल भेजते हैं एम्बेसडर सीक्रेट कोडेड मैसेज में, जिसको साइफर कहते हैं फॉरेन ऑफिस को, और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास आता है, एक जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और एक जा, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं सारी फोर्सेस के, और फिर जाता है एक मिलिट्री क़यादत के पास। तो ये तो मेरे पास जब ये आया तो ये तो इसमें क्या था, इसमें यह था कि इमरान खान को हटाओ, प्राइम मिनिस्टर मैं था तो किसको ये हुक्म दिया जा रहा था हटाने को, मैं तो फॉरेन ऑफिस तो मेरे नीचे है, एम्बेसडर तो मेरे नीचे है। दूसरी चीज़ उसमें एक और चीज़ लिखी हुई थी कि रूस का जो हाल ही में हम, यानी हम 2 या 3 मार्च को रूस से आए थे और ये 7 मार्च को ये था, तो रूस को का जो दौरा था उसमें ये लिखा हुआ था कि सिर्फ इमरान खान ने खुद फैसला किया था, और जबकि एम्बेसडर ने इसकी तरदीद की, उसने कहा ये सब स्टेक होल्डर्स का फैसला था। और फिर ये 7 को आता है, 8 को नो कॉन्फिडेंस टेबल हो जाता है नेशनल असेंबली में, और उसके बाद हमारे वो इतिहादी और हमारे जो अपने मेंबर्स पार्लियामेंट थे उनको एकदम लगता है कि ओहो ये तो जनाब बहुत बुरी हुकूमत है, हमें तो हमने तो इसे इस हुकूमत को छोड़ना, हमने तो एकदम, उनको ये चीज़ याद आ जाती है। और हमारे जो बैक बेंचर्स हैं जिसमें ये लोग पहले अमेरिकन एम्बेसी में जाके, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आई, अमेरिकन एम्बेसी भी जाया करते थे ये 3-4 जो सबसे पहले लौटा हुए, तो इन्होंने एकदम सारों ने फैसला किया कि पार्टी गवर्नमेंट गिराने का और छोड़ने का।
अब सवाल ये है कि जब 2 साल पहले, जो 2 साल थे जब हमारी इकॉनमी का बुरा हाल था, बैंकक्रप्ट इकॉनमी मिली, आईएमएफ में जाना पड़ा, आईएमएफ ने ऐसी कंडीशंस लगाई, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किल थी, फिर कोरोना आ गई अगले साल, तो 2 साल तो हमारे बड़े मुश्किल थे। तो अगर इन्होंने छोड़नी थी पार्टी तो तब जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी 2 साल में, पिछले 30 साल में वो पाकिस्तान के वो साल थे जिसमें हमने सबसे तेज़ी से तरक्की की है। हमारी डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो 5.6 और 6% था, ये 2 कंसेक्टिव सालों में तो बहुत अच्छा था। हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही, हमारी टेक्सटाइल की रिकॉर्ड प्रोडक्शन, हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, हमारी वो जो टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, रिमिटेंसेस रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में। तो और ज़राअत के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, यानी रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप्स हुई। जो हमने उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया था अपने एग्रीकल्चर का, उसकी बड़ा एकदम हमारा सारा किसान उठ गया। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान आगे जा रहा था, तब इनको क्यों ख्याल आया छोड़ने का? अब मेरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने जुडिशियल कमीशन का, मैंने कमीशन का फैसला किया, जुडिशियल कमीशन नहीं, कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि यह साजिश हुई है नहीं हुई। हमें तो पता है साजिश हुई है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी जो हुई नहीं अभी तक। तो कोई नहीं कह सकता, DGISPR ये नहीं कह सकता कि साजिश है या नहीं है। वो ये मुदाखलत तो सबने मान लिया ना कि मुदाखलत है। अब वो मुदाखलत जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक थे 1950 की दिहाई में ईरान में, जब उसने नेशनलाइज की ईरान की जो सारा जो तेल की इंडस्ट्री थी, तो जो बाहर की कुवतें थी जिसमें अमेरिका और बरतानिया, उन्होंने फैसला किया उसको गिराने का। तो अब तो डिक्लासिफाई हो गया ना, पेपर्स हमारे सामने हैं। तो वो क्या किया था उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले मीडिया पे पैसा खर्च किया, मीडिया पे पैसा चला, मीडिया में उसको पहले बुरा भला क्या गया प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को, फिर उन्होंने ऑपोजिशन से मुजाहरे करवाए, जिस तरह ये कांपे टांगने वाली जो मार्चेस करवाई, और जिस तरह ये लॉन्ग मार्च, उन्होंने ऑपोजिशन को पैसा दिया, उन्होंने किया। ये अब रिकॉर्ड के ऊपर आई हुई है चीज़ें। और फिर उन्होंने उनके लोग खरीदे, जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक की पार्टी के लोग थे उनके ऊपर पैसा चला। तो क्या ये यहाँ नहीं हुआ? तो कौन फैसला करेगा कि साजिश है नहीं? एक ही तरीका है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ओपन ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं, क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे, ओपन हेयरिंग करवाएं, और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। जी खान साहब, मैं सलमा सैयद शिकागो से आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करवा रही हूँ। आप मेरे मेंटोर हैं, मेरे लीडर हैं। मैंने आपकी तकरीरों से बहुत कुछ सीखा और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तब्दील की। मेरा सवाल यह है कि आपका सियासी सफ़र जो 26 साल पर मुहित है, इतनी मायूसियाँ नाकामियाँ आईं, लेकिन मैंने आज तक आपको मायूस नहीं देखा। ऐसी क्या चीज़ है जो आपका अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर ईमान कमज़ोर नहीं होने देती? देखिए सलमा, बात यह है कि दो किस्म के, अगर तो आप अपने ज़ात के लिए कर रहे हो, यानी अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन के तो पैसे बनाने हैं और फैक्ट्रीज बनानी है और शुगर मिल्स बनानी है और बाहर प्रॉपर्टीज लेनी है, तो वो फिर मायूसियाँ उसमें बहुत होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात से निकल के अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, तो मैं तो अपने घर में ही रहता था ना, मुझे तो कभी फ़र्क, मेरी तो ज़िंदगी में फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। मैं तो घर में रहता हूँ, मेरा कोई कैंप ऑफिस नहीं, अब मेरे अपने सारा स्टाफ था, तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया। और मैंने जान के ये फैसला किया था कि अगर मुझे कभी मौका मिले, मैं उसी तरह रहूँगा जिस तरह मैं रहता था। ये नेल्सन मंडेला का मुझे याद है, मैं एक दफ़ा, उन्होंने साउथ अफ्रीका मुझे बुलाया, तो मैंने ये देखा कि उनका बहुत ही खूबसूरत प्रेसिडेंट हाउस था, प्रिटोरिया के अंदर, बड़ा खूबसूरत पहाड़ी का, बहुत खूबसूरत था।
तो उन्होंने हमारा वहाँ खाना किया, लेकिन नेल्सन मंडेला ने मुझे कहा कि मैं अपने फ्लैट में रहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ के एंटरटेन करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे मेरा लगाव हो जाए इस बड़े महल से, ताकि मुझे छोड़ने में मुश्किल ना हो। और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट रह सकते थे, वो और चाहते तो सबसे पॉपुलर इंसान साउथ अफ्रीका में थे, वो अगली फिर भी उन्होंने इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बन जाना था, लेकिन वो जब बन सकते थे वो छोड़ के चले गए। तो वो कहते मेरा मिशन पूरी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरे लिए एक मिशन है, ये कोई मुझे इसमें कोई पर्सनल अपनी ज़ात के लिए नहीं आया। लिहाजा जब मिशन होती है ना तो उसमें ऊंच नीच होती है। अब मैं तो सिर्फ जो लीडर मानता हूँ अपने पाकिस्तान के सबसे बड़े कायद अजम है। अब कायद अजम की अगर आप ज़िंदगी पढ़ लें तो कितनी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी वो मुझे मैंने कितनी देर 22 साल मुझे लगे प्राइम मिनिस्टर बनने में, तो कायद अजम तो 40 साल स्ट्रगल करते रहे, 40 साल अपनी ज़िंदगी में, और फिर आखिर में बस अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 सालों के अंदर 1.5 साल में उनको मिशन में कामयाब हुए। तो वो क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे थे। और इसी तरह जो सबसे बड़ा मिसाल जो मुसलमानों के लिए, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उनके अल्लाह के महबूब उनके लिए क्या मुश्किल था कि अल्लाह उन्हें पहला साल कह देते कि आपको हम मदीना की रियासत दे देते हैं, लेकिन उनको 13 साल अपने महबूब को अल्लाह ने मुश्किल तरीन वक्त से गुजारा। तो ये हम सब के लिए मिसाल, हमारे तो वो लीडर्स हैं। तो इसलिए ये जो मुश्किलात आती हैं इनसे कभी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये हमेशा सबसे ज़्यादा आप जब सीखते हैं वो बुरे वक्त में सीखते हैं, और मैंने ये 3.5 साल में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीखा, क्योंकि बहुत मुश्किल साल थे मेरे लिए, क्योंकि मुल्क के भी मुश्किलात थे, गवर्नमेंट भी कमज़ोर थी, कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, फिर कभी कोई कोई एक क्राइसिस आता था, फिर दूसरा आ जाता था। सबसे मेरे मुश्किल साल थे। तो और इसी में सीखता इंसान। जी अगला सवाल। वालेकुम, मेरा नाम बिलाल मोहिद्दीन है, मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। खान साहब, मेरा सवाल आपसे हमारे इखलाकियात के हवाले से है। ये जो इम्पोर्टेड टोला हमारे ऊपर मुसल्लत है, इन्होंने जिस तरह हमारी इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि 25 मई को जिस तरह हमारी औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों के ऊपर जुल्म किया गया इस पंजाब पुलिस के गुल्लू भट्टों की तरफ से, तो बजाय ये जो PDM के हमायती लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके सपोर्टर्स ने बजाय इस चीज़ को कंडेम करने के राणा सनाउल्ला को एक हीरो के तौर के ऊपर पेश किया, जबकि यही सब कुछ कल इनकी फैमिलीज़ के साथ भी हो सकता है। तो ये जो इखलाकियात का जनाजा ये लोग हमारे नौजवानों में से निकालते जा रहे हैं और हमें जो है वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों के साथ लड़ा रहे हैं, ये जो हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं, खान साहब इससे कैसे निकला जाएगा, ज़रा इसके ऊपर बताइएगा। देखिए, जो सबसे आपने इम्पोर्टेंट बात वो ये की कि देखिए, एक मुल्क जो है ना वो जंगें भी होती हैं, मुल्क जंगों के अंदर तबाह भी हो जाते हैं। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी जर्मनी की, पता नहीं कितने 70 लाख जर्मन मर चुके थे। जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिर चुके थे, वहाँ भी तबाही थी, लेकिन वो दोनों मुल्क 10-10 सालों में खड़े हो गए। लेकिन कई मुल्क हैं जिनके ऊपर जंग भी नहीं हुई या ऐसे वैसे तो मुश्किल वक्त नहीं आए। मसलन लेबनान है सबसे, आज दुबई अगर लोग जाते हैं ना, तो हमारे जब हम बड़े हो रहे थे तो सारी दुनिया बेरूत जाना चाहती थी, वो सबसे वो उस वक्त का दुबई था। आज उधर हालात देखें, वो खुशहाल था, सब ऐसी जगह थी लोग छुट्टियां गुजारने जाते थे। आज वहाँ 70% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। क्या हुआ? करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। और करप्शन क्या होती है? जब एक मुल्क की अखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं और कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब आप ताकतवर चोर को पकड़ते नहीं और कमज़ोर को जेलों में डालते हैं, वो मुल्क फिर तबाही की तरफ जाता है। और जब मैंने ये जर्मनी और जापान की आपको मिसाल दी, उनकी अखलाकियात बची हुई थी, बिल्डिंग्सें ख़त्म हो गई थी, कोई चीज़ खड़ी नहीं थी, सड़कें तबाह थी, लेकिन अखलाकियात, इखलाकी मयार, मॉरल स्टैंडर्ड्स उनके खड़े थे, वो फिर खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना की रियासत थी वो किस पे खड़ी की थी? वहाँ कोई पैसा था? वहाँ उनके पास कोई दौलत आई थी? वो क्या वजह थी कि वो दुनिया की एकदम
तारीख का हिस्सा है कि 622 को वो हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं और 632 को इस दुनिया से चले जाते हैं। उन 10 सालों में वो क्या चीज़ है, वो कुछ वो लोग जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, वो दुनिया की सुपर पावर बन गए जाके। ये तारीख का हिस्सा है, 10 सालों में उन्होंने उनकी अखलाकियात बदली थी। अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, मॉरल स्टैंडर्ड सेटअप की थी। फिर इंसाफ का निज़ाम लेके आए थे कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। ये दो चीज़ें थी जिसके ऊपर माशरा खड़ा होता है। जब इस एक माशरे में ये दो चीज़ें जाती हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ये आ जाता है, जब उनकी अखलाकियात और इंसाफ चला जाता है, तो आज क्या हो रहा है, ये कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान की कितनी तोहीन हुई है कि पहले तो बाहर से जिस तरह मैंने कहा साजिश के तहत एक इलेक्टेड 22 करोड़ लोगों की हुकूमत गिराई, फिर ऊपर उन लोगों को मुसल्लत किया जो इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू मुजरिम हैं, उनको ऊपर बैठा दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आते साथ ही एक ही काम कर रहे हैं कि अब ये अपनी चोरी बचाने के लिए सारे मुल्क के इदारे तबाह कर रहे हैं, और इदारे तबाह करने में ये वो नुकसान पहुंचा रहे हैं जिससे मुल्क तबाह हो जाते हैं। आपके जब इदारे तबाह होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये और ये अखलाकियात, ये असल में जो वारदात है मुल्क की अखलाकियात की, कि चोर अब ये फैसला कर रहे हैं कि मुल्क की अखलाकियात क्या है, चोर बैठ के कह रहे हैं लोगों के ऊपर FIRs काट रहे हैं, चोर इंतकामी कार्रवाई लोगों को डराने के लिए ले रहे हैं, इनके पास अखलाकी कुव्वत तो है नहीं, अखलाकी कुव्वत तो इनके पास है नहीं। जो सबसे कमज़ोर कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत होती है, उसके बहुत ऊपर अखलाकी कुव्वत होती है और उससे बड़ी ईमान की कुव्वत होती है। ये अखलाकी ये सिर्फ जिस्मानी कुव्वत पर चल रहे हैं। अब इन्होंने आज पार्लियामेंट जो है बिल्कुल ही उसका जनाजा निकाल दिया। जिस पार्लियामेंट के अंदर एक राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन जाएगा जो मुंह से कह रहा है कि वो उनका टिकट लेगा, तो वो ऑपोजिशन तो ख़त्म होगी ना, तो ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट ख़त्म है। दूसरी ये जो पंजाब असेंबली में तमाशा हो रहा है, यानी सारी कोशिश की जा रही है इसमें, वो इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। और वो कोशिश यानी कानून वाजे है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो तो इमीजिएटली पुर हो जाती हैं, इलेक्शन कमीशन उनको पुर नहीं कर रहा जब तक बाय इलेक्शन नहीं होंगे। वो सिर्फ बाय इलेक्शन के इंतजार करके धांधली करके किसी ना किसी तरह इसको जता दो। तो जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, वहाँ भी पार्लियामेंट का मजाक बन गया, यहाँ भी पार्लियामेंट ख़त्म हो गई है, जमहूरियत ख़त्म, हमारी FIA ख़त्म, नैब ख़त्म, हमारी जो सरकारी नौकर है उनको बड़े बड़े जो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद पुलिस में इस जो IG है इसको सजा होने वाली थी लाहौर की सेफ सिटी में और उसको IG बना दिया। तो ये सिर्फ ये नहीं कि ऊपर गलत अखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं मुल्क की। याद रखें कि जब आप एक मुल्क की मॉरल स्टैंडर्ड्स ख़त्म कर दें तो मुल्क तो फिर उसके बाद कभी भी उससे रिकवर नहीं करता। तो लिहाजा इसलिए मैं सारी कौम को कहता हूँ कि मेरी ये जो तहरीक हकीकी आज़ादी है इसमें आपने सब ने शिरकत करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मोहम्मद हसन सऊदी अरेबिया से। खान साहब थैंक यू सो मच, आपने पाकिस्तानी कौम के लिए इतना सारा कुछ किया, यकीन करें आई हैव नो वर्ड्स। तो सवाल लाइटर नोट पे है और सवाल ये है कि जो इम्पोर्टेड सरकार अभी 2000 रुपये देगी तो इनको खर्च कैसे करना है, और ये मेरा सवाल पूछने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अगर आप तक ये सवाल पूछता है तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी, तो जस्ट उस मुस्कुराहट को लाने के लिए ये मेरा सवाल किया है, तो इसके बारे में आप कुछ बता दें। और दूसरा ये बता दें कि जब ऐसे बयान आते हैं तो क्या आपको भी हमारी तरह हंसी आती है इस बात पे? असल में देखें रिजवान, जो हंसी तो क्या, जो सारे पाकिस्तानियों को तकलीफ़ है वो ये कि ये जो भी जिन्होंने भी इस मुल्क ये हमारे ऊपर ये इनको मुसल्लत किया है, यानी मैं तो सोचता हूँ कि वो कितना हमें नीचा समझते होंगे, क्योंकि मैं तो मगरबी को सिस्टम को बड़ी अच्छी तरह, उनके माशरे को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप यकीन करें कि जिस मुल्क में 60% कैबिनेट ज़मानत पे हो,
प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को सजा होने वाली हो, ये जो 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी केस के अंदर, उनको मुल्क की क्यादत कर दें, अपने मुल्क के अंदर अगर कोई जमानत पे हो वो उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई रखता ही नहीं है इस आदमी को जो जमानत पे हो, तो उनकी अखलाकियात, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स किधर हैं, और हम इन्होंने हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स किधर ले आए हैं, और जिन्होंने हमारे ऊपर ये मुसलत किए वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, जो भी अंदर बैठे हुए थे और जो बाहर बैठे हुए थे, जिन्होंने इन चोरों को हमारे पर मुसलत किया है वो ये मुल्क के दुश्मन हैं। इसके पीछे बाहर जो अमेरिकन लॉबी जो है वो बड़ी करीब काम करती है हिंदुस्तान की लॉबी और इसराइल की लॉबी से, हम आपको सबको पता होना चाहिए। जब मैं गया तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हिंदुस्तान में बनी, और इसराइल के अखबारों में देखे वो कितने खुश हुए कि जी वो इमरान खान को और ये चेरी ब्लॉसम को ऊपर ले आए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। इससे बेहतर क्या टैक्टिक्स होंगी कि कोई लड़ाई किए बगैर ही उन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया। आज जिस तेज़ी से हमारी माशत तेज़ी से नीचे जा रही है, आज जिस तरह हर इकोनॉमिक इंडिकेटर नीचे जा रहा है, महंगाई, हमें इन्होंने सारा वक्त कहा कि जी महंगाई की वजह से ये महंगाई मार्च और जी मुल्क महंगाई की तबाह कर दिया है। इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई किया जो हमने 3.5 साल में नहीं की। इन्होंने जिस तरह बेदर्दी से कीमतें बढ़ाई हैं और जिस तरह मायशत नीचे जा रही है, कहने का मेरा मकसद ये है कि ये महंगाई का नाम लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन महंगाई इनका इशू नहीं था, क्योंकि इनके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी दौलतें, इनके लीडर सारे पैसे अरबों डॉलर, बल्कि इस मुल्क से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर पड़ा है। तो इनका इशू सिर्फ ये था अपने करप्शन केसेस से बचने का, और अपनी ये इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करके, धांधली करके, इलेक्शन करके फिर मुसलत करना। तो लिहाजा जो आपने बात की ना कि हम आगे क्या करें, ये जो लोग ऊपर बैठ के हैं, हम क्या करें, हम वो करें जो कि हर जिंदा कौम करती है, वो अपने हकूक के लिए, अपनी मफादात के लिए खड़ा होती है। वो कौम, जिंदा कौम निकलती है बाहर, वो जिस तरह लोग निकले थे उस दिन, जब जिस दिन मुझे मैं ऑफिस से निकला, उससे अगले दिन जिस तरह पब्लिक निकली, ये जिंदा कौम की निशानी है। बरतानिया के अंदर लोग, मुझे कभी नहीं भूलता, इराक वॉर जिससे बरतानिया को फ़ायदा होना था क्योंकि वो तेल के ऊपर जंग थी, जब उसके खिलाफ 20 लाख लोग बरतानिया में सड़कों पर निकले, जिंदा कौम है। तो इंशाल्लाह जो मैं आगे देख रहा हूँ कि इस ये जो हुआ है, ये सारी साजिश, इससे हमारी कौम जिंदा हो गई। मैं वो पाकिस्तान में चेंज देख रहा हूँ जो मैंने कभी पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम उस्मान महमूद है, मैं ओरिजिनली बिहाड़ी से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि रजीम चेंज ऑपरेशन और ये जो साइफर है इसकी हम तहकीकात की डिमांड कर रहे हैं, तो मेरा फेयर ये है कि एक जुडिशल कमीशन बनेगा और उसका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल वैसा ही एक आ जाएगा जैसा धांधली कमीशन का आया था, यानी कि बहुत क्लैरिटी से जवाब नहीं आएगा, तो उस सूरत में हमारा आइंदा क्या लाया अमल होगा? थैंक यू सो मच, खुश रहें, कायम रहें। देखिए उस्मान, देखिए जुडिशल कमीशन जब बनेगी ना तो वो बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसी चीज़ होगी जो आप चाहें भी ना चीज़ें दबेंगी नहीं। जब एक अदालत के अंदर ओपन हेयरिंग होती है और फिर विटनेसेस आते हैं, फिर लोग पूछेंगे कि ये जो लोग गए हैं पहले क्यों नहीं गए, यानी वो मरासला तो है, फैक्ट है ना, वो तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने, सब ने, इन्होंने भी, जब शहबाज शरीफ ने भी वो बुलाई तो उसने भी इंडोर्स किया कि हाँ मुदाखलत हुई है। अब मुदाखलत कब होती है? पहले तो साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है, तो पहले तो पूरा प्लान सेट होता है। जिस तरह मैंने ईरान के अंदर प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक की जो हुकूमत गिराई थी CIA ने और बरतानिया के MI6 ने, तो वो पहले इस पूरी साजिश हुई थी, आखिर में मुदाखलत हुई थी। तो वो जैसे ही ये हेयरिंग होगी, मैं समझता हूँ कि इसके बाद किसी की जरूरत नहीं होगी, अगर ये हेयरिंग ही हो जाए किसी की जरूरत नहीं होगी आगे इस तरह की गद्दारी करे कोई कौम से। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम ज़ैनब है, मैं न्यू जर्सी रहता हूँ। I'm sorry, my Urdu is not that strong, so I'm going to ask you my question in English. If you had one question to ask Qadi Azam, what would it be? Thank you for taking my question. I keep you in my prayers and may Allah bless you. May you emerge victorious.
अस्सलाम वालेकुम। हाँ शुक्रिया जैन। उसने कहा एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं। अच्छा कायदे आजम, देखें कायदे आजम को हम क्या सवाल पूछें। कायदे आजम जिन्होंने अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया था, सारे ब्रिटिश इंडिया में सबसे कामयाब, सबसे या नंबर वन बैरिस्टर थे, यानी सबसे ज़्यादा फीस दी जाती थी कायदे आजम को, क्योंकि उनकी इतना हाई, उनकी माशाल्लाह ब्रिलियंट थे और उनको उनकी सक्सेस रेट इतना ज़्यादा था। तो हम तो सिर्फ कायदे आजम को ये समझते हैं कि उनको उनको कोई ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, जैसी वो शान और शौकत में ज़िंदगी गुजारते थे। तो उन्होंने जो पाकिस्तान कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए, कि अपना सारा आसान ज़िंदगी छोड़ के उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, और फिर आखिरी दिनों में उनको कैंसर थी, लंग कैंसर, तो वो लंग कैंसर के दौरान उन्होंने जिस तरह की मेहनत की और हालात उनकी 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 सेहत ठीक नहीं थी, छुपाया रखा, बताया किसी को नहीं कि कितनी बुरी बीमारी थी, और वो उनके पास ज़्यादा दिन जिंदा रहने के नहीं थे, वो भी छुपाया इसलिए कि अगर उनके मुखालफिन को पता चल जाता तो उन्होंने सिर्फ डिले करना था और हो सकता पाकिस्तान ना बनता। और कायदे आजम से सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि सिर्फ चार हफ्ते पहले या तीन हफ्ते पहले जब वो पाकिस्तान बनने से जब कराची में लैंड करते हैं तो उनके ADC होते हैं, एडमिरल एहसन, तो उनको वो कहते हैं सिर्फ तीन हफ्ते पाकिस्तान बनने से पहले, उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता था कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान बनेगा, यानी इतना मुश्किल उनकी मिशन थी। तो जितना भी हम कायदे आजम को उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि आज अगर मुसलमानों की हालत आप देखें जो हिंदुस्तान में है, अगर आप देखें कि उनको किस तरह यानी सेकंड क्लास सिटीज़न बना के और उनको उनको रखा जा रहा है, और अभी ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तो लोगों को गुस्सा चढ़ा, लोगों के दिलों में बसते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब गुस्सा चढ़ा और लोगों ने इजहार किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनके घर गिरा दिए, यानी ऐसा किस्म उन्होंने वहाँ जुल्म किया उन लोगों के ऊपर। तो ये कायदे आज़म का हमें हम शुक्रिया अदा करें कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, और इसीलिए इसकी मुल्क की आज़ादी के लिए हम सबको जदोजहद करनी है। ये जहाद है, ये जो चोर ऊपर बैठ गए हैं, हम कायदे आज़म की जदोजहद को अगर हमने जस्टिफाई करना है, हमने अगर उनको उनकी रूह को खुश करना है, तो हमें हकीकी आज़ादी के लिए पूरी जदोजहद करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब, मेरा नाम मोइज़ुर रहमान है, मेरा ताल्लुक कराची से है। सर अभी रिसेंटली इक्तिसादी सर्वे आया, यानी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आया, और उसके अंदर दिखाया गया कि जो PTI की गवर्नमेंट ने अपने आखिरी साल में टारगेट सेट किए, जैसे कि LSM ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, योर एक्सपोर्ट्स, आपकी रेमिटेंसेस, GDP ग्रोथ, आपके टैक्स कलेक्शन, वो तमाम तर टारगेट्स अचीव हुए, ना कि सिर्फ अचीव हुए बल्कि ओवर अचीव हुए। लेकिन अब आप ये देखेंगे जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इनसे बुनियादी लेवल के पॉलिसी डिसीजंस तक नहीं लिए जा रहे, चाहे वो IMF के साथ मामला हो, पेट्रोल प्राइसेस हो, इनसे कुछ भी नहीं जो है डिसाइड किया जा रहा। तो मेरा फिर यही सवाल है जो पंजाबी में कहते हैं ना कि इन्होंने ये पंगा क्यों लिया सी। थैंक यू। हाँ ये बार बार अभी कहते हैं कि जी ओहो बड़ी बारूदी सुरंगें छोड़ के चले गए, तो इनको कहो कि आपको जरूरत क्या पड़ी थी इतनी साजिश करने की। अगर संभाला नहीं जाता था मुल्क, या आपको अगर इतना ही नहीं पता था कि मुल्क के दुनिया में आलमी हालात क्या हैं, हम तो डील कर रहे थे, हम तो पहले आते साथ ही इनकी एक बैंक्रप्ट छोड़ के गए सारी इकॉनमी, यानी जो सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो हमें मिला था $20 अरब का, उसको बड़ी मुश्किलों से हमने वो बैंक्रप्सी फाइट की, फिर ऊपर से दूसरे साल में कोविड आ गया, तो उसके अंदर से फिर अपने मुल्क को निकालना, और जितने शॉक्स हमने देखे हैं, इनको तो कभी इस तरह का क्राइसिस आया नहीं जो जो COVID-19 का हमने फेस किया था, और दुनिया में देखें कि कितनी तबाही मचाई उसने, और हमने वो मुल्क जो दुनिया तस्लीम करती है कि चंद मुल्कों की तरह जो सबसे बेहतरीन तरीके से मुल्क को इसमें से निकाला था, उसमें पाकिस्तान है। तो हमें तो उन क्राइसिस से निकलते निकलते, और जब ये कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी जब कीमतें बढ़ गई, फिर यूक्रेन हो गया, तो
हम तो बड़ी मुश्किलों से निकाल रहे थे मुल्क को, और हमने ये कहा, हमने न्यूट्रल्स को भी ये कहा कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, इकॉनमी डिस्टेबलाइज ना करें, ये जो साजिश हो रही है हमें पता था उस वक्त हो रही है। हमने कहा अगर ये कामयाब होगी ये इकॉनमी नीचे चली जाएगी, शौकत तरी ने भी बताया, मैंने भी बताया। तो जब इन्होंने ये जो साजिश कामयाब हो गई, अब इससे साबित होता है कि ना इनमें कोई अहलियत है, इनकी कोई, सिर्फ एक ही तैयारी थी कि अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के तो इलेक्शन रिग करना, और इनकी कोई तैयारी नहीं थी। और ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये इनको ना समझ आ रही है क्या करें, कभी आज कीमतें बढ़ा रहे हैं, कल कीमतें, कोई इनको नहीं पता कि आम आदमी अब कैसे गुजारा करेगा। जिस तरह की महंगाई आई है, इन्होंने तो अगर थोड़ी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं निचले तबके की, वो तो कुछ भी फ़र्क नहीं उसे पड़ेगा जिस तरह की महंगाई है आज। और सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है कि हमारी रेमिटेंसेज जो हमारे ज़माने में रिकॉर्ड थी, अब ये पिछले महीने रेमिटेंसेज गिर गई हैं इनकी, यानी जो बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं। दूसरा, हमारी एक्सपोर्ट्स मई के महीने में 10% गिरी हैं, तो ये तो और ज़्यादा एक उतने बड़े क्राइसिस में जा रहे हैं कि पहले डॉलर्स की कमी है, और अगर रेमिटेंसेज गिर गई और हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई तो वो खसारा तो बढ़ता अब जाएगा। और मुझे नहीं समझ आ रही कि इनके पास क्या अब तरीका ऐसे निकलने का, सिवाय इसके कि कोई बाहर के मुल्क इनको कोई पैसे दे दें या कुछ बाहर से कोई वो, और मैं समझता हूँ वो भी अगर मिल जाए तो जो मैं इनके देख रहा हूँ ये कुछ नहीं, अब ये इस मुल्क में किसी तरह इसमें से बुरान से नहीं निकाल सकते। मुझे खदशा ये है कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं जो वहाँ कैओस आया था। मुझे दूसरा खदशा ये है कि ये हमारे मुल्क को इतना कमज़ोर कर देंगे कि हम, हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारी जो आज़ादी है, उसको मजीद मुतासर कर देंगे, क्योंकि हमें इतना कमज़ोर करके छोड़ेंगे कि तब हमें जो भी मुल्क इमदाद करेंगे फिर हम उनके बिल्कुल, हमें उनकी गुलामी करनी पड़ेगी खुदा ना खास्ता। तो ये उस तरफ लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम हमजा है और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू स्पीक टू यू। मैं सवाल करना चाह रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्री पोल रिगिंग के हवाले से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो डिलिमिटेशन हुई हैं उसमें वाइड स्केल इरेगुलरिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, लोगों के वोट मुख्तलिफ हल्कों में फेंक दिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जिंदा हैं उनको मुर्दा करार देकर उनका वोट खत्म कर दिया गया है। मुख्तलिफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट हर वक्त काम नहीं कर रही होती, और 8300 पर जब वो मैसेज करते हैं तो या तो उनको रिप्लाई नहीं आता या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। नज़र तो यही आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वोटर्स को परेशान करके वोटर टर्नआउट कम करने की एक साजिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे लीडरशिप है, ऑन द ग्राउंड जो लीडरशिप है, वो क्या स्टेप्स ले रही है ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा वोटर परेशान ना हो और उनका वोट प्रॉपरली रजिस्टर हो। दूसरी बात यह कि क्या पार्टी कोई लीगल एक्शन भी कंसिडर कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ? शुक्रिया जी। हमारी पूरी कोशिश है, पहले तो हम ये जायजा ले रहे हैं जो हल्का बंदियाँ इन्होंने की हैं, हमारे में कोई शक नहीं कि ये प्री प्लान करके किया है। पंजाब में तो इन्होंने नून लीग के साथ बैठ के ये हल्का बंदियाँ की हैं। हमें पूरी तरह इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन जाके उधर उनके साथ मीटिंग करता है, ये जो दो नून लीग के जो इनके शहजादा और शहजादी हैं उनके साथ बैठ के ये पूरी डीलिंग करते हैं कि क्या नून लीग के लोगों के उनके साथ बैठ के ये हल्का बंदियाँ हो रही हैं। ये हमने पूरी अब स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम अदालत में भी जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद ही नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, तो ये कैसी इलेक्शन कमीशन है कि वो इन्होंने अपने लोग भर दिए हैं उसके अंदर, और वो इलेक्शन कमीशन, यानी वो उनको अपने आप को रिक्यूज़ करना चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसके ऊपर हमें कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमें पता है कि ये बायस्ड है। और इसको जिस तरह ये जज होता है, एक एम्पायर की तरह होता है इलेक्शन कमीशन, अब अगर एक एम्पायर या जज के ऊपर एक जो सबसे बड़ी पार्टी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो उसको अपने आप को रिक्यूज़ करना चाहिए, यानी उसे कहना चाहिए जी ठीक है मेरे किसी और को लाना चाहिए जिस एम्पायर के ऊपर या जज के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सबको पता है इस इलेक्शन कमीशन का, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और हमें सबको पता है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल इसके अंदर कोई इंसाफ करने का इसके अंदर वो जो 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 चिप है, जो जीन है, वो है ही नहीं। जी अंकल इमरान, मैं शर्मानो हूँ
सरगोधा से। 9 अप्रैल को जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो एक कौमी सानिया था, और इस सानिया की वजह से बतौर पाकिस्तानी हमारे बहुत बड़े बड़े भरम टूटे। जो 24 और 25 के दरमियानी शब में जिस तरह चादर और चार दीवारी के हकूक को पामाल किया गया, और जिस तरह 25 को मेरी और मेरी फैमिली पर वैश्याना शेलिंग की गई, इसके बाद तो मुझे यकीन हो चुका है कि ये मेरे मुहाफिज नहीं है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या मेरे मुल्क में जमहूरियत है, आमरियत है, या हम अमरीका के गुलाम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए शेरबानो, जो हुआ 25 को और उससे पहले जो इन्होंने छापे मारे पुलिस ने, वहाँ औरतें थी घरों में, उनके अंदर रात दीवारों टॉप की औरतों के उधर गए, और जो उन्होंने बर्ताव किया उससे, और जो मुझे कभी नहीं भूलता, मैं उस लड़के को भी मिला बाद में, कि वो वीडियो चली थी, एक 10 साल के लड़के को पकड़ के ले गए ये पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में, उसका क्योंकि बाप नहीं था, 10 साल के बेटे को पकड़ के ले गए। तो मैं तो ऐसे सीन्स कभी अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे, और मैं ना ही समझता था कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर मैं ये देख सकता हूँ, कहीं भी दुनिया में। आमरीत के अंदर ये हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये नहीं हो सकता। और जो यानी मैं जनरल मुशरफ की इमरजेंसी लगी थी, और मुझे याद है जब उसकी इमरजेंसी थी तो तब उधर भी क्रैकडाउन हुआ था, और मुझे 8 दिन मैंने जेल में भी गुजारे थे, लेकिन मैं आपको वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इन्होंने की हैं इस बारी। और ये मुझे ऐसे लगा कि लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, इनको खौफ था कि लोग अगर निकलाए तो ये चोरों को बड़ा डर है पब्लिक से। आप ये सोचें कि इन्होंने बिल्कुल ये किया था ताहिरुल कादरी के साथ, उनके लोग जब थे, पैट के लोग जब बाहर खड़े हुए थे, वो यानी वो कौन लोग थे, वो आम लोग खड़े हुए थे, सीधा पुलिस ने उनको गोलियां मारी, 14 लोगों को कत्ल किया, और उसके अलावा पता नहीं 60-70 को गोलियां लगी। तो ऐसे तो कभी कोई नहीं करता, और कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि ये माफिया स्टाइल है खौफ फैलाने के लिए। इन्होंने इस बारी भी खौफ फैलाया कि डरे हुए थे क्योंकि 20 लाख लोग ना निकलाएं, तो उनसे डर के इन्होंने लोगों के ऊपर इतना तशद्दुद किया कि सिर्फ के लोग निकले ना, और फिर उसको कहा जी कितनी बड़ी हमारी कामयाबी है। तो मैं आखिर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो पुलिस के भी लोग थे, ये CCPO लाहौर का जो था, ये जो IG इस्लामाबाद है, इन्होंने ख़ास तौर पर हमने सबके ऊपर नज़रें रखी हुई हैं, और इंशाल्लाह वक्त आएगा, वो ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, कि इनसे इनको हम पूछेंगे, और इनसे हम पूछेंगे कि आपने किस कानून के तहत ये हरकतें की है। जो वो लड़का रावी से, हमारा नौजवान जिसको रावी के पुल से भेजा नीचे फेंका, जिसके ऊपर हमने केस किया हुआ है CCPO पे, पूछें कि ये कौन से दुश्मन आ रहे थे, ये कोई गैर मुल्की थे, ये कोई मुसल्ला लोग थे, कौन अपने लोगों पे, औरतें बच्चों पे ऐसे जुल्म करता है। जो वहाँ डी चौक के ऊपर जो लिबर्टी में जो औरतें बच्चे फैमिलीज निकली हुई थी, उनके ऊपर जिस तरह इन्होंने बेदर्दी से और बेशर्मी से शेलिंग की है, कौन से कौम अपने लोगों के ऊपर ऐसे करती है, या तो कोई इंतशार फैला रहे होते हैं। इन्होंने लोगों को बल्कि इंतशार की तरफ धकेला, जिस तरह की इन्होंने शेलिंग की और रबर बुलेट्स मारी। ये अगर आप सीन्स देख लेना तो ये मकबूजा कश्मीर में बिल्कुल हिंदुस्तान की फौज यही हरकतें करती है वहाँ उन लोगों से जो इन्होंने हमारे साथ उस दिन किए। रबर बुलेट्स चलाई, शेल कारतूस चलाए, कई 6 नंबर कारतूस चलाए, इन्होंने वो शेल चलाए टेयर गैस के, जो सिर्फ दहशतगर्दों के ऊपर चलाते हैं, और देख रहे हैं सामने औरतें हैं, फैमिलीज हैं। तो मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं देखी, और जब मैं समझा हूँ ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए था। और इसने किया क्या है, इसने लोगों में इतना गुस्सा पैदा कर दिया। मैं अगले दिन अगर रुक जाता वहाँ तो मुझे 100% पता था कि अगले दिन लोगों का इतना गुस्सा था कि इनका आपस में टाकरा होना था और हमारा मुल्क में खून खराबा होना था। जी कप्तान, मैं हूं अरीश खान, दुबई से डिजिटल मार्केटिंग, और मैं आपसे बिल्कुल भी सीरियस सवाल नहीं पूछूंगी, बाकी सरों ने आपसे पूछने। मैं आपसे पूछने जा रही हूं क्विक रैपिड क्वेश्चंस। नंबर 1, बचपन में किन शरारतों पर कुरान पढ़ी? नंबर 2, अम्मी के हाथ का खाना कौन सा पसंद है आपको? नंबर 3, आपको चाय ज्यादा पसंद है या कॉफी? नंबर 4, क्रिकेट के टाइम पे आपको बोलिंग करना पसंद थी या बैटिंग करना पसंद थी? नंबर 5, आपका फेवरेट कोट कौन सा है? और आखिर में कप्तान, वी लव यू सो मच, डटे रहिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको हमेशा सलामत रखे,
और खुदा आपका ख्वाब पाकिस्तान के लिए कामयाब करे और पाकिस्तान की सारी खुशियाँ तरक्कियाँ आपको दिखाए इंशाल्लाह आमीन। शुक्रिया। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है मुझे तो याद भी नहीं रहा, एक दो तीन, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा भूल जाता है क्वेश्चन। क्रिकेट का मुझे तो भूल ही गया अब, इतनी मैं तो क्रिकेट मैचेस भी नहीं अब देखने का मौका मिला। और खाना, मेरी वालदा इतनी देर हो गई अब मैं तो याद भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मुझे याद ही नहीं आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, अगला पूछें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम महवेश है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, कनाडा में मुकीम हूँ। सवाल पूछने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि किस तरह 3.5 साल आप अकेले हमारे लिए लड़ते रहे। ये रिजीम चेंज ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि आप किस किस महाज पे अकेले खड़े थे। जिस तकलीफ से आपने कहा था कि इस मुल्क के बड़ों के लिए करप्शन कोई बुरी बात नहीं, 3.5 साल की कहानी खुलकर सामने आ गई थी। तो थैंक यू खड़े रहने के लिए, बहादुरी से आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त आवाम आपसे किस कदर मोहब्बत करती है, आपको मुर्शिद बुलाती है, करोड़ों पाकिस्तानियों की आप एक वाहिद उम्मीद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे और उनका मुकदमा लड़ेंगे। तो क्या आपको इस प्रेशर से कुछ घबराहट होती है या डर लगता है कि अगर आप हार गए तो आप अकेले नहीं हारेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ हारेंगे? बस मेरा यही सवाल था, आपका बहुत ख्याल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी मैं कभी भी जो भी जिंदगी में काम किया है मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा, क्योंकि ये जब आप हारने का सोचते हैं ना तो आप जीत ही नहीं सकते। जो ह्यूमन माइंड है ना, जो हमारा जहन है, वो एक वक्त पे एक ही चीज सोच सकता है कि या मैं जीतूंगा और या मैं हार ना जाऊं, वो एक माइंड पे दोनों चीजें नहीं सोच सकता। तो ये जो आइडिया होता है ना कि जो लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि मैं हार ना जाऊं, तो वो फिर हमेशा प्लान बी रखते हैं अपना, या वो समझते हैं कि अगर ये चीज़ मैं नाकामयाब हो तो मैं प्लान बी पे चला जाऊंगा। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा। मैं जब भी कोई फैसला करता हूं तो वो फिर होता है एंड तक, पुल यानी किश्तियाँ जला के, कि उसके बाद कभी वापसी की रूट नहीं होती। तो देखें ये एक स्ट्रगल है। और जो स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स आपको चीज़ सिखाती है वो स्ट्रगल करनी सिखाती है, यानी वो ऊंच नीच सिखाती है। वो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाती है कि ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। यानी आपको अच्छे वक्त आते हैं, बुरे वक्त आते हैं। और जो स्पोर्ट्स, जो चैम्पियन होता है वो बनता ही चैम्पियन तब है जब वो बुरे वक्त को संभाल ले। अच्छे वक्त बड़ा आसान होता है सब भी, बल्कि अच्छे वक्त पे जब होते हो तो आपको सारा वक्त जहन में आना चाहिए कि ये बुरा वक्त भी आ सकता है। तो आप हर चीज़ के अच्छा वक्त जो है यानी जो अब आपकी पीक है उसको बेहतर करते जाएं। जो लेकिन जो टेस्ट, कैरेक्टर का टेस्ट होता है बुरे वक्त में होता है। तो बुरे वक्त में जो हाथ खड़ा कर देता है वो हार जाता है। जब इंसान हार नहीं मानता तो वो फिर बुरे वक्त से सीखता है। और जब आपका डाउन साइकिल आता है तो आप ज़्यादा मजबूत होकर ऊपर आते हैं। तो कोई यानी ये याद रखें कि आप हारते तब हैं जब आप हार मान जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में तो हार है ही नहीं, यानी हार मानना है ही नहीं। तो मेरे लिए तो ऊंच नीच होती है। और जब नीच होती है, मसलन मैंने 3.5 साल में ज़िंदगी में वो सीखा जो मैंने इतनी स्ट्रगल में नहीं सीखा। लेकिन इस वक्त ये जो ये वक्त है इसमें अभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे अगर अल्लाह फिर मौका देगा तो मैंने क्या क्या चीज़ें शुरू में ही कर रही हैं। क्योंकि आते साथ ही मुल्क को जिधर आज हम खड़े हैं, हमने अब कैसे इसको ऊपर लेके जाना है, कौन कौन सी मैंने जो पिछली 3.5 साल में एक्सपीरियंस की चीज़ें, मैं किधर किधर मैंने गलतियां की, कौन सी चीज़ें थीं जो कि अगर आप शुरू में नहीं करेंगे तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको शुरू में अगर आप मेजर स्टेप्स, अपनी मेजर रिफॉर्म्स शुरू में कर दें तो उसके बाद वो उसका अपना मोमेंटम बन जाता है। लेकिन एक तो मुझे चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे, यानी इकॉनमी का इतना बड़ा चैलेंज था कि, और फिर हमारी इतनी कम एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो सारा वक्त हम वो गवर्नमेंट ही संभाल रहे होते थे, उसको कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, एक तो वो संभालनी बड़ी मुश्किल थी। फिर हमारी टीम नई थी, पहली दफ़ा आई थी, फिर क्राइसिस बहुत थे। तो इसलिए सीखा मैंने बहुत, और इंशाल्लाह जब भी अल्लाह मौका देगा
तो मुझे पता कि शुरू में हमने अब पहले क्या क्या मेन रिफॉर्म्स कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम खान साहब, आई एम रबानी अखुनज़ादा फ्रॉम सियाटल यूएसए। प्रोफेशनली आई एम ए साइंटिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट लीडर। अगर हम केपी के अंदर 9 सालों और फेडरल की 3.5 साल के दौरी हुकूमत की क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमें गवर्नेंस सिस्टम के अंदर वाज़ेह गैप नज़र आता है। अगर हम इस गैप की रूट कॉज एनालिसिस करें तो हमें मालूम होता है कि पीटीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप डेवलपमेंट पर काम नहीं हो रहा। मेरा सवाल यह है कि क्या पीटीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुस्तकबिल में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने का इरादा रखती है या नहीं। थैंक यू जी। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने हमारी जो लीडरशिप अब डेवलप हो रही है और जो हम देख रहे हैं वो ISF से आ रही है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से। और मुझे बड़ी खुशी है कि मसलन एक तो मुराद सईद जो कि जिन्होंने शुरू की थी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, लेकिन वो बड़े अच्छे, मैं देख रहा हूँ कि वो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल समझते हैं कि हमारा हम क्यों सियासत कर रहे हैं, किस तरह का पाकिस्तान। तो उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सही आ गई है। और ये जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी पूरी पाकिस्तान में मैनेजमेंट और लीडरशिप की बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं वैक्यूम है, एक बहुत बड़ी खला है। तो मैं जो जिस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो एक तरीका है कि हम अब यहाँ फ्यूचर लीडर्स बना सकते हैं वो है सीरत नबी पढ़ाना। अपने 8th, 9th और 10th क्लासेस में हमने सीरत नबी के कोर्सेज करवाए थे। मेरा ये मान है कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी समझ जाए, और उनकी दुनिया में कभी ऐसा कोई लीडर नहीं आया, तो उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो अपने बच्चों में डाल दें, और यानी स्कूल से शुरू हों और फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट्स हों उसके ऊपर। ये जो मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप की है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो हमने सूफीज़म के ऊपर, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी तादाद है लोग यहाँ, बड़े सूफ़ी हमारे कराम थे, बड़े बड़े नाम थे, तो इनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है। तो लेकिन इनकी हमने रियलाइज़ किया कि लोगों को समझ ही नहीं है उनकी मैसेजेस क्या थी। तो एक तो खैर वो उसमें, लेकिन एक सीरत नबी यानी जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप की एग्ज़ाम्पल थी। क्योंकि वो आप ये याद रखें कि जब वो दुनिया से गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कभी उस छोटे टाइम में दुनिया में इतने अजीम लोग नहीं आए जो उस टाइम पे आए हैं। ये तारीख का हिस्सा है कि हर कोई एक अजीम इंसान बन गया। यानी वो जो कॉन्सेप्ट है, जो इकबाल का शाहीन है, इकबाल का शाहीन होता ही लीडर है। वो एक परवाज होती उसकी तब है जब उसकी ज़मीन पे जंजीरें टूट जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंजीरें तोड़ दी थी जो एक बड़े, जो अशरफुल मखलूकात को एक छोटा सा इंसान बना देता है। जो मौलाना रूमी की सेइंग है, जो मैं बार बार अपने यूथ को बताता हूँ, कि मौलाना रूमी की सेइंग है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए तो क्यों ज़मीन पर रेंग रहे हो। क्योंकि हम सब में वो सलाहियत है ऊपर जाने की, और वही सलाहियत मदीना की रियासत में उनकी जंजीरें तोड़ के, और जंजीरें टूटती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह से, कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। तो वो इंसान को आज़ाद कर दिया उन्होंने। तो वो इतने अजीम लीडर इतने थोड़े टाइम पे बने, दुनिया की इमामत की दो सुपर पावर्स गिर गए उनके सामने। तो वो जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, वो मेरी कोशिश ये थी कि हम जो सीरत नबी के कोर्सेज और हमने जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, उसका मकसद ही ये था कि हम इनक्रेज करें अपने यूथ को, समझें कि वो क्या फिनोमेना था। हम सिर्फ जुमे की नमाज पे खुतबा सुन के आ जाते हैं, और हम इस्लामियात की एक क्लास होती थी उसमें हमें कोई ख़ास पता नहीं चलता। अभी तक हमारे जो अल्लाह का जो हुक्म है कि नबी की सुन्नत पे चलो, वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो वो अभी तक हम इस 70 सालों में इस मुल्क में हम ये सही माने में उसको सामने नहीं ला सके, अपने यूथ को हम सही माने में सीरत नबी के ऊपर ट्रेन नहीं कर सके। तो इमरान खान साहब, मेरा नाम सलमान अहमद अवान है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है। पीटीआई स्पोर्टर्स के हवाले से एक अरसा तक ये लोगों का ख्याल रहा है कि ये मम्मी डैडी क्लास के लोग हैं,
ये पैसा दे देंगे, ये जलसों में रात में आ जाएंगे, लेकिन ये तशद्दुद का सामना नहीं कर सकते, ये किसी तरह के मुश्किल हालात का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमने आज़ादी मार्च में देखा कि जिस तरह से डट के मुकाबला किया तशद्दुद का, शेलिंग का, गिरफ्तारियों का, क्रैकडाउन का, तो इसके पीछे आपके ख्याल से क्या वजह है कि पीटीए के सपोर्टर्स की तादाद में इजाफा हुआ है? पहले लोग जो टीन एज में थे वो थोड़े बड़े हुए हैं और लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है, या फिर अमूमी रवैया हमारे माशरे में बुराई के खिलाफ वो चेंज हुआ है, अब बुराई को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अब लोगों में शऊर आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो आपके ख्याल से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अब हम ये चेंज देख रहे हैं पीटीए के सपोर्टर्स में? देखिए सलमान, हुआ क्या है, सबसे पहले तो आपने बात कर दी जो सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया एक ऐसा फिनोमेना है, हर इंसान आज़ाद हो गया है, उसके पास वोट आ गई है, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसके पास आवाज़ है, वो टिकटॉक पे चला जाता है, वो ट्विटर पे चला जाता है, वो फेसबुक पे चला जाता है, यानी उसके पास आवाज़ आ गई है, व्हाट्सएप पे। अब इससे क्या हुआ है, बड़ी बड़ी दुनिया में जो लोग डिक्टेटर्स टाइप जो कि लोगों की आवाज़ बंद कर देते थे, आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत बंद कर दी, कंट्रोल कर दी, तो वो अब तक वो चल जाते थे। अब क्या हुआ है कि जो भी आप कर लें, आप ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, अब इसको बंद नहीं कर सकते। अभी इन्होंने बड़ा तंग किया हमारे क्या आम लोगों को, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, ये जो टिकटॉकर्स, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, वो क्या वो फ़ोन जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता उधर से कॉलें आती हैं, धमकियाँ आती हैं, धमका रहे हैं, लेकिन इससे रुक नहीं सकती ये चीज़। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि असल में सोसाइटीज़ जमहूरियत में, उनकी जमहूरियत का जो लेवल है वो बढ़ गया है, लोगों की आवाज़ बढ़ गई है, लोग अपनी राय इजहार कर सकते हैं। अगर मेन मीडिया को आपने दबा भी दिया, धमका के मीडिया को, एंकर्स को डरा धमका दिया और कहा कि हम तुम्हें, उनके ऊपर FIRs भी काट दी, वो डर भी गए, तो सोशल मीडिया को कैसे कोई कंट्रोल करेगा? ये इतनी बड़ी चीज़ है और इसमें अब अगर किसी का ख्याल है, मसलन चीज़ें वायरल हो जाती हैं, मसलन या एक हैशटैग आता है और एकदम ऊपर क्लाइम कर जाता है, लेकिन वो सिर्फ तब करता है जब एक पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है। आप बेशक जितने मर्जी बैठ के हैशटैग चला दें, लेकिन अगर पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं होगी वो नहीं चलेगा आगे। सो ये जो आपने चेंज देखा है ना, एक तो अवेयरनेस, जो शऊर आ गया लोगों में, ये कभी पाकिस्तान में पहले नहीं था, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी इनके खिलाफ, ये जो चोरों को ऊपर बैठा दिया है और साजिश के तहत, इसके अगेंस्ट बहुत बड़ा रिएक्शन है पब्लिक में, लोग नहीं इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिधर ये जाते हैं इनको पब्लिक में जाते हैं नारे, या चोर कहते हैं, या इनको गद्दार कहते हैं, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगते हैं, ये पब्लिक नहीं इनको एक्सेप्ट करेगी। और अगर इनको किसी तरह इलेक्शन में धांधली करके इनको मुसलत भी करने की कोशिश की, बहुत बड़ा पब्लिक रिएक्शन आएगा। मैं आपको आज ये कह रहा हूँ कि ये जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि धांधली करके इलेक्शन कमीशन में ये जो आदमी बैठा के, और ये अगर किसी तरह इलेक्शन मैनिपुलेट करेंगे, मैं कोई नहीं ये समझ रहा कि ये कितना बड़ा नीचे लावा पक रहा है, ये फटेगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान में, क्या उसकी तरफ जाएगा मुल्क। इसलिए वजह उसकी है सोशल मीडिया और लोगों का शऊर है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि ये जो इन्होंने शेलिंग की और फिर लोग खड़े हो गए, और मुझे खुद हैरत है कि हम लोगों को इन्होंने पंजाब से निकलने नहीं दिया, वो तो आए नहीं, ज़्यादातर तो लोग अंदर, इन्होंने शेलिंग इतनी की कि लोग डर भी गए, उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली, खुद ही निकली, हमने नहीं निकाला उनको, लिबर्टी चौक में, लाहौर में निकली, यहाँ कराची में निकली, और इधर निकली डी चौक पे, ऐसे तो कभी पब्लिक नहीं निकली, खुद ही पब्लिक सड़कों पे आई, और फिर उस पब्लिक ने मुकाबला किया, इन्होंने जो शेलिंग कर रहे थे वो पब्लिक पीछे हटती थी फिर आगे आ जाती थी, ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, इसका मतलब एक ज़िंदा कौम है, और ज़िंदा कौम ही उनकी परवाज़ ऊपर होती है, और इंशाअल्लाह जो मैं आगे देख रहा हूँ, मैं वो पाकिस्तान में चेंज देख रहा हूँ जो पाकिस्तान की तारीख में, मैं हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह से कि एक दिन वो चेंज आए, एक ज़िंदा कौम हो हमारी, लोग ये जुल्म के सामने खड़े हों, कभी चोरों को एक्सेप्ट ना करें, लोगों को अमर बिलमारूफ अच्छाई के साथ खड़े हो, कौम फैसला करे कि हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम
بدی کے خلاف ہے, ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں اور ہم نیوٹرل نہیں ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی, آپ کو حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اب یہ جو چینج ہے اس کو کوئی بھی روک سکتا ہے, جو بھی روکنے کی کوشش کرے گی وہ اس پہ بہہ جائے گا. اور یہ اللہ کا ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح بیداری آئی ہے, جس طرح ہماری قوم جاگی ہے, جس طرح شعور آیا ہے, جس طرح ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا یہ, جو کہ اگر پرانے زمانے میں ڈرا دھمکا دو تو لوگ ڈر جاتے تھے. تو لوگ اپنے خوف کے اوپر قابو پا رہے ہیں, اور آزادی, اصل آزادی ہوتی تب ہے جب اپنے آپ کی خوف کی زنجیریں توڑ دیں. شکریہ جی.